वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेंग स्कूल में होता है, उसे उसके डैड का कॉल आता है, इस वीक तुम्हारी मॉम घर वापस आने वाली है। जिसके बाद वो वीकेंड पर अपनी बाइसाइकिल को साफ कर रहा होता है। यहाँ में 11 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अपनी मोम को बोलता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे बाइसाइकिल कौन सिखाएगा। मोम बोलती है, मुझे अभी जाना होगा, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं वापस आ जाऊंगी। फैंग बोलता है, मोम प्रॉमिस करो। उसकी मोम प्रॉमिस कर चली जाती है। प्रेजेंट में दोनों बाप बेटे उनके लौटने का आज वेट कर रहे होते हैं। डैड बोलते हैं, मैंने तुम्हारी मोम को 10 साल से नहीं देखा। फैंग बोलता है, डैड 11 साल 3 महीने हो चुके हैं और उसने उस बाइसाइकिल को भी वहीं पर रखा होता है। तभी डोर नोक होता है। फैंग फटाफट से गेट खोलता है और अपनी मोम को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन उसकी मोम का दूसरा बेटा भी होता है, जो देखकर फैंग की शक्ल उतर जाती है। जिसके बाद फैंग बाहर बैठा होता है और उसके पेरेंट्स अंदर लड़ रहे होते हैं, क्योंकि डैड को भी नहीं पता था उसकी वाइफ घर छोड़कर किसी और से शादी कर लेगी। इधर वो बच्चा बाइसाइकिल को छेड़ रहा होता है। फैंग बोलता है, तुम इसे नहीं चला पाओगे, अभी तुम बच्चे हो। वो बच्चा बोलता है, क्यों नहीं चला पाऊंगा, मेरी मोम ने तो मुझे बाइसाइकिल चलानी सिखा दी है। ये सुनकर फैंग को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इधर मोम अपने डैड से लड़ रही होती है, तुम इतने ज्यादा गरीब थे, क्या करती। तभी उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो वो बाहर आती है। एक्चुअली में उसका बेटा नीचे गिर गया था। मोम फैंग को ही डांटने लग जाती है, कैसे भाई हो, अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रख पाए, नहीं तुमने इसे जान कर तो नहीं गिराया है ना। अपने बच्चे को चुप कराने लग जाती है, मैं इस बाइसाइकिल को मार देती हूँ, अब तुम चुप हो जाओ। फैंग की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो उस बाइसाइकिल को डस्टबिन में फेंक देता है और सोचता है, मैं बस उनका एक्स्ट्रा बेटा हूँ। तभी ज़ियांग भी लियू के साथ हंसते खेलते हुए वहाँ आ जाती है। फैंग सोचता है, अब तो ज़ियांग को भी मैं नहीं चाहिए, मेरे बिना वो कितनी ज्यादा खुश रहती है। ज़ियांग फैंग के घर आती है और बोलती है, आंटी आप वापस आ गई। फैंग की मोम बोलती है, तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो। ज़ियांग बोलती है, आपने फैंग को बुली किया है ना। मोम बोलती है, क्या बोल रही हो। ज़ियांग बोलती है, आपने बुली किया है, तभी तो उसने अपनी बाइसाइकिल डस्टबिन में फेंक दी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बचपन में ज़ियांग फैंग को बोलती है, तुम भी बाइसाइकिल सीख लो, हम दोनों साथ में स्कूल चलेंगे। लेकिन फैंग मना कर देता है, मेरी मोम जब वापस आएगी ना, वही मुझे बाइसाइकिल चलाना सिखाएगी। उनसे लेकर वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी मोम नहीं आती और ना ही उसने कभी बाइसाइकिल सीखी थी। वो इंतजार कर रहा था, जब उसकी मोम आएगी तभी वो उसे सिखाएगी। प्रेजेंट में ज़ियांग गुस्सा करती है, जब आप कोई वादा निभा नहीं सकती है तो करती क्यों है, आप तो उसकी मोम कहलाने के लायक की नहीं है। मोम बोलती है, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच का मामला है, तुम होती कौन हो, बीच में पढ़ने वाली, तुम एक आउटसाइडर हो, वही बनकर रहो। फैंग भी बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और अंदर आकर बोलता है, आउटसाइडर ये नहीं आप हो, और ज़ियांग को खींचकर वहाँ से ले जाता है। वो उसे टेरिस पर लेकर आ जाता है, तुम फालतू में गुस्सा क्यों हो रही थी। ज़ियांग बोलती, गुस्सा कैसे ना होती, उन्होंने इतने सालों तक उनके वापस आने का इंतजार किया और उन्होंने आते ही तुम्हारा दिल तोड़ दिया, उनकी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करने की। फैंग तो उसे हक कर लेता है। ज़ियांग बोलती है, रोना चाहते हो तो रो सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फैंग की आंखों से तो आंसू टपकने लग जाते हैं, तुम भी मेरी मोम की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। ज़ियांग बोलती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम मुझे इग्नोर करोगे तब भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फैंग बोलता है, पक्का ना। ज़ियांग बोलते हैं, हाँ पक्का, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर फैंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। ज़ियांग भी उसे खुश देखकर खुश हो जाती है। लियो ज़ियांग से आकर पूछता है, क्या इस सैटरडे तुम फ्री हो। ज़ियांग मना कर देती है। ज़ियांग के दोस्त बोलती है, तुमने उसे मना क्यों कर दिया, हो सकता है वो तुम्हें शीशी फेस्टिवल में लेकर जाना चाहता हो और वहाँ वो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करे, क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो। ज़ियांग बोलती है, पर इस सैटरडे को मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सैटरडे को फैंग का बर्थडे होता है। ज़ियांग उसे सरप्राइज में बाइसाइकिल गिफ्ट करती है, तुम्हारी मोम जो काम नहीं कर पाई मैं करूँगी, मैं तुम्हें बाइसाइकिल सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम उसे बाइसाइकिल पर नहीं घुमा पाओगे। फैंग बोलता है, ओके सिखा दो मैडम।
जियांग बोलती है, बाइसाइकिल सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, पर मैं तुम्हें परफेक्ट कर दूंगी। और उसकी बाइसाइकिल पीछे से पकड़ लेती है। चिंता मत करना, मैंने पकड़ा हुआ है, तुम नहीं गिरोगे। पर फैंग बोलता, छोड़ दो, मैं खुद ट्राई करना चाहता हूँ। और एक ही बारी में बाइसाइकिल चलाना सीख जाता है। जियांग के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पोपट हो गया था। इवन वो जियांग को अपने पीछे बिठाकर उसे पूरा शहर घुमाने निकल जाता है। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सीन कट होता है। जियांग लियो से मिलने रेस्टोरेंट में आ जाती है। लियो बोलता है, तुमने तो बोला था मैं नहीं आऊंगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, फैंग जियांग को वहाँ पर लाया था। जियांग पूछती है, यहाँ पर क्यों लाए हो। फैंग बोलता है, तुम्हें लियो से बात करनी थी ना आज, तो तुम जा सकती हो। जियांग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। फैंग बोलता है, तुम उसे लाइक करती हो ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को खो मत। जियांग पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं उसे लाइक करती हूँ। फैंग बोलता है, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जियांग बोलती है, पर आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना। फैंग बोलता है, तुम मुझे अपना थोपड़ा 365 डेज दिखाती हो, एक दिन मत दिखाओ ना। वैसे भी मुझे बाइसाइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे प्लांट्स भी लगाने हैं। जियांग बोलती है, पर मैं नर्वस हो रही हूँ। फैंग बोलता है, सिर्फ अच्छी यादों को याद करो, फिर तुम नर्वस नहीं होगी। ये बोलकर उसे भेज देता है। जियांग वापस आती है और लाइटर बुझाकर उसे विश मांगने को बोलती है। फैंग विश मांग लेता है। जियांग पूछती है, क्या विश मांगी। फैंग बोलता है, बता दूंगा तो पूरी नहीं होगी। जियांग के जाते ही फैंग सोचता है, मैंने विश मांगी है तुम पूरी जिंदगी खुश रहो। प्रेजेंट में लियो बोलता है, तुम्हें पता है ना शीशी फेस्टिवल है। जियांग बोलती है, हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। लियो बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि शीशी फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है खाने पर। देखो ना, ये फ्री है। ये सुनकर जियांग हंसने लग जाती है। मैं भी मजाक कर रही थी, तुम सीरियस मत लेना। लेकिन अंदर से दुखी हो जाती है क्योंकि वो सच में उसे लाइक करती थी। घर आकर वो अपने दर्द को कम करने के लिए नहाने लग जाती है। वो भी गाना गाते हुए मोम भी उसे डांट देती है। नेक्स्ट सीन में फैंग उससे पूछता है, क्या प्यार करना इतना मुश्किल होता है। तभी जियांग को छींक आ जाती है, उसकी वजह से मैं बीमार हो गई। फैंग बोलता है, उसके विजन में ही खराबी है जो उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ। तुम्हें उसकी वजह से खुद को पनिश नहीं करना चाहिए था। जियांग बोलती है, तुमने एकदम सही कहा, अब मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ूंगी। ये सुनकर फैंग तो शॉक ही हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा नाई के पास आ जाती है, अपने बालों को छोटा करने को बोलती है, पर वो तो उसके सर पर चिड़िया का घोंसला बना देता है। जियांग को गुस्सा आता है, वो उसे ठीक करने के लिए कहती है। ऐसे कर वो उसके सारे बाल ही काट देता है। एंड में जियांग पूछती है, बताओ मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। फैंग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए हैट लेकर आता हूँ। नेक्स्ट डे वो हैट लगाकर क्लासरूम में आ जाती है। लियो पूछता, हैट लगाकर क्यों आई हो। जियांग उसे दूर हटा देती है, मुझसे दूर रहना। लंच टाइम में जियांग देखती है, एक्चुअली में उसके टेबल टेनिस का कॉम्पिटिशन आने वाला था। जियांग पूछती है, तुम सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो ना। लियो साफ मना कर देता है, दिख नहीं रहा मैं कितने मजे से खाना खा रहा हूँ। जियांग बोलती है कि खाने को बार बार खाए जा रहे हो, साफ पता चल रहा है तुम नर्वस हो। स्कूल के बाद वो बोलता है, तुम सही कह रही थी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। जियांग उसे खुश करने के लिए अपने बाल दिखा देती है। लियो तो हंसने लग जाता है, कैसा अगली हेयर स्टाइल है ये। जियांग बोलती है, अगर तुम नर्वस हो रहे हो तो तुम मेरे हेयर स्टाइल को देखकर खुश रह सकते हो। ये बोलकर हंसने लग जाती है। दोनों हंसते खेलते हुए घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फैंग जियांग को बोलता है, फाइनली तुम्हारे बाल फिर से ठीक हो गए। फैंग बोलती है, पर मेरा वो अगली हेयर स्टाइल लियो ने देख लिया है, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी। पर छोड़ो, अब क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों तो फ्रेंड्स ही हैं। फैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जियांग उसके खुश होने की वजह पूछ लेती है। फैंग बोलता है, आज मौसम कितना ज्यादा सुहाना है, चलो कुछ खाने चलते हैं। जियांग तो खुश हो जाती है। इधर लियो भी अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो नर्वस देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है और उसका हेयर स्टाइल देख कर उसे जियांग की याद आ जाती है, तो मोटिवेट हो जाता है। इधर जियांग की मोम उसे डांट रही होती है, इस बार 500 युआन का बिल आया है, पता नहीं फोन पर किससे बातें करती हो। जरा फैंग को देखो, वो अपना सारा ध्यान स्टडी पर लगाता है। जियांग बोलती है, अगर वो आपको इतना ज्यादा पसंद है तो उसे ही अपना बेटा क्यों नहीं बना लेती, और गुस्सा कर चली जाती है। मोम भी बोलती है, पता नहीं ये मैंने कैसी बेटी को जन्म दे दिया। नेक्स्ट डे जियांग गार्डन में कुछ ढूंढ रही होती है। फैंग बोलता है, अब जमीन में क्या ढूंढ रही हो।
सियांग बताती है मेरिकल। फैंग बोलता है पागल हो गई हो क्या, अगर मैं फाइनल एग्जाम में पास नहीं हुई तो मेरी मोम यहीं पर मेरी कब्र बना देगी। मुझे कैसे भी कर फाइनल एग्जाम में पास होना ही होगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। एक्चुअली में उसकी दोस्त हैन ने उसे बताया था, अगर तुम्हें 4 क्लीफ क्लोवर मिल जाता है तो तुम उससे विश मांग सकती हो और तुम्हारी हर विश पूरी हो जाएगी। तो जियांग उसी को यहाँ पर ढूंढ रही थी। फैंग बोलता है तुम्हें मैजिक और लक के भरोसे नहीं टिकना चाहिए, ये सब पर काम नहीं करता, हजारों में एक पर करता है। सियांग बोलती है हो सकता है उन हजारों में एक वो मैं ही हूँ। तभी टीचर आकर बताता है सियांग तुम्हारी मोम को कुछ हो गया है, जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर ने बताया होता है उसकी मोम को खतरनाक बीमारी है, अगर होश में नहीं आई तो हो सकता है वो मर जाएंगी। जियांग तो रोने लग जाती है, मैंने लास्ट नाइट ही अपनी मोम के साथ लड़ाई की थी और उन्हें कहा था मैं दोबारा आपसे बात नहीं करूंगी, आज वो नहीं जागी तो वो मेरे लास्ट वर्ड्स होंगे। ये भूलकर रोने लग जाती है मैंने लास्ट नाइट उन्हें ऐसा क्यों कहा। फैंग उसे कंसोल कर रहा होता है। सियांग बोलती है मेरी एक ही विश है मेरी मोम ठीक हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।